मैंने कर लिया बात कर लिया बहुत अच्छे माइक महंगों के माइक बहनों को कपास सेंटर अच्छा क्या नाम बहन जी आपका अच्छा प्रणाम आपको भी क्या करते हैं बहन जी जी हम स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ता के तरफ आशा कार्यकर्ता के रूप में क्या काम करते हैं जी हम जन जन तक समुदाय के बीच में सेवा देने का हर घर घर में सेवा देने का कार्य करते हैं 2400 घंटे हम जनता के बीच में तत्पर है अच्छा कब आखिरी बार सेवा की आपने सर हम आज भी बच्चों का टीकाकरण करके ही आपके दर्शन के लिए सूखियों को पहुँचाए नहीं हॉस्पिटल जी बिल्कुल ऐसे 15 सालों में हमारे गांव में ऐसी एक भी ये नहीं है सर की जो होम डिलीवरी में आज तक ऐसा हमारा डॉक्टर नहीं आया हमने जनता के बीच में कुछ जागरूकता लाई है कि कभी भी रात को 12 भी बजेंगे सया 2 भी बजे तो हमारे आशा कार्यकर्ता को सबसे पहले कहा अच्छा वाह बहुत अच्छा जोरदार तालियों का बजने के लिए और किसको मालिक है माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी आपसे एक अनुरोध है कि पांडुना तहसील में सबसे ज्यादा संतरे की फसल होती है और वो संतरे की फसल के उचित मूल्य नहीं मिल पाते हैं किसानों को इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप स्टूडेंट या अच्छे दाम मिले किसानों को और संतरे का अच्छा किसानों तक लाभ पहुंचे इतना अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छा अच्छी बात बताई है क्यों उनकी फसल की क्या कष्ट है क्या परेशानी है क्या कष्ट है इसका माल लगता है अच्छा यहाँ से लोगों के लिए हस्तलिखित होता है क्या है अच्छा स्टोर चलिए करवाएंगे ना जरूर करवाएंगे क्या आप बताओ क्या करवाएंगे कमलेश राठौर जय श्री महाकाल भाई साहब बहुत जय श्री महाकाल जी हमारे क्षेत्र में कपास की खेती होती है बहुत अच्छा और कपास का जो दाम है पिछले कुछ वर्षों से किसानों को मिल नहीं रहा और पहुंचे दाम क्या दिक्कत है जी कपास के क्या मंडियों को लेकर जो है टैक्स का महाराष्ट्र में टैक्स फ्री है और हमारे मध्य प्रदेश में टैक्स लगने की वजह से भी दाम में जो है गिरावट है तो आप अगर ध्यान देंगे तो किसानों को बहुत अच्छा मूल्य मिल पाएगा ये जरा मेरे साथ बोल रहा है ये बहुत अच्छा है मंडी टैक्स का जो झंझट है क्या महाराष्ट्र के बराबर हो गया आप तो बिल्कुल बताओ बराबर हो गया अभी हुआ है जो महाराष्ट्र में वो अपने आए नहीं नहीं अभी हुआ है अभी लेकिन फिर भी दाम कम है ताली वाली तो बजा हो गया कि सच्ची बात है ना आपकी परेशानी दूर हो गई आपका सहयोग और मूल्य बढ़ जाए तो किसानों को और फायदा होगा बहुत अच्छा धन्यवाद और आप किसको रहे हैं भाई साहब जय श्री राम जय श्री राम क्या नाम जय सर बाजीराव देशमुख बहुत क्या करते हैं बाजीराव जी मैं भाई साहब अभी वर्तमान में ओबीसी मोर्चे का मंडल अध्यक्ष हूँ जी नानावाड़ी मंडल से भाई साहब पांडुना जिला तो बन गया है घोषणाएं भी अब पूरी हो गई है मैं आपके संज्ञान में ये बात दिलाना चाहता हूँ कि पांडुना जिले से हमारा जो गांव है काराघाट कामठी ये जो नारायण घाट कनान नदी पे जो ब्रिज है ज्ञापन दिया है जी 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 तो ये नदी में अगर ब्रिज आखिरी है ना जी उसके बाद अपन शुरू कर देते पांच मिनट अपनी बात करके जी है ना और भाई साहब एक और प्रश्न है हमारा कि अभी वर्तमान में किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही बराबर अच्छा बिजली बार बार ट्रिपिंग हो रही है बिजली की क्या परेशानी जी बोलते हैं चलो बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा है पहली बार आपके बीच में आया हूँ आप जरा बैठ जाओ मेरी बात सुन लो है ना ताकि मिला अपने पूरे कार्यक्रम के लिए हम आपसे भी बात करने आए भोपाल जिले के और ये आखिरी बार नहीं है ये शुरुआत है
लगातार आपके बीच में ऐसी बात करते आते रहेंगे और ये अच्छा लगता है ना कि कोई योजना जो आपके गांव के लिए, आपके काम के लिए, आपकी परेशानी के लिए आपसे ही बात करके हल निकाले, अच्छा है कि नहीं है? अगर नहीं तो गाली बजा के बताओ ये अच्छी बात है। तो इसी को, इस सिलसिले को अपन चालू कर रहे हैं, इसका नाम दिया जनसंवाद। आपसे बात करके, आपकी कठिनाई को समझ करके उन समस्याओं का समाधान भोपाल में बैठ के करेंगे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा के बताओ, मोदी जी अच्छा काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सबके क्षेत्र में लगातार काम करना और उस काम के बलबूते पर अपने प्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बनाना, इस दिशा में काम कर रहे हैं हम सबके लिए। और ये महत्व की बात है कि जो छोटे जिले हैं, पिछड़े जिले हैं, नए बने जिले हैं, इनकी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों को इनके मौके पे जाकर के समझना और इसका समाधान निकालना, क्योंकि जिला बनाने के बाद उनकी जो आने वाली परेशानियां हैं उसको दूर करना, ये भी अपना दायित्व है। तो पांडुना जिले के अपने सारे भाई बहनों के बीच, चूंकि मेरे पास समय की कमी है, मैं अभी यहाँ के बाद दो कार्यक्रम में और जाने वाला हूँ, इसलिए लंबा भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन आप सबके बीच में लगातार आता रहूंगा ये आश्वासन दे सकता हूँ। आपसे मेरा भाई बहन का रिश्ता है, इस नाते से आपके बीच में लगातार आना और आपके बीच काम करना, पहले हमने कई निर्देश दिए, अभी आपके बीच में दो चार काम की चीज बताता हूँ। अब अपने बीच में अगर आपने अपने खेती की रजिस्ट्रिया कराई तो पटवारी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ने दस्तावेज का पंजीयन कराया, पटवारी को अपने आप नामांतरण करना पड़ेगा, यह उसकी अपनी जरूरत है। और कोई इस मामले में गलती करेगा, पटवारी लापरवाही करेगा, तो कलेक्टर साहब आप ध्यान रखना, आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उसपे भी कार्रवाई करूंगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं। सरकारी अधिकारियों का काम है, वो कितने बड़े अधिकारी हो लेकिन मुस्तैदी से काम करे, लापरवाही नहीं करे। जो जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, प्रत्येक निर्देश का सख्ती के साथ पालन कराना, यह हम सब का दायित्व तो बनता है। और सरकार के मुखिया होने के नाते से ये हमारी भी जवाबदारी है कि हमने जो निर्देश दिए उसका मैदानी रूप से पालन हो रहा कि नहीं हो रहा, उसका पालन भी करते देखना। और पालन करने में संवेदनशीलता के साथ, जनता के साथ तो संवेदनशीलता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों के छूट नहीं है, उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस मामले में कड़ाई जो करना है वो सब करेंगे, लेकिन जनता के हित में जो हो सकता है वो भी लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। साथ दिया, हमारा मार्गदर्शन किया,